तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चाकोलिया ब्लॉक में और यहाँ पर जो आप पीछे एक भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ आई हुई है यहाँ पे डिप्यूटेशन के लिए, जो कई सारे इनके 8 मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के एमएलए विक्टर साहब खुद यहाँ आवाम को लेकर के पहुँचे हुए हैं। अभी वो गए हुए हैं अंदर बीडीओ के पास अपना डिप्यूटेशन देने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वसी अहमद, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो इसके अलावा भी जो बाकी मुद्दे हैं और क्या पॉलिटिकल जो है स्टेप रहेगा आगे, लेफ्ट या बाम फ्रंट जिसको कहते हैं उनकी इस बार इलेक्शन में, इन सारे मुद्दों पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है जनाब वसी अहमद साहब। शुक्रिया दिनाजपुरी खबर का। तो आप सबसे पहले बता दीजिए कि आप किस ओहदे में अभी इस वक्त जो है काम कर रहे हैं बाम फ्रंट के साथ? जॉइंट सेक्रेटरी विद्यानंदपुर ब्रांच कमेटी ऑल इंडिया फॉर ब्लॉक। तो अभी जो सबसे बुनियादी सवाल है कि आपके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये धांधली हुई है जहां पर विधायक जो है वो बाम फ्रंट का ही है, तो आपका ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आप खुद डिप्यूटेशन देने आए हैं, इसके पीछे क्या क्या राज है ये बताइए। ये सबसे पहली बात है कि पीएमएवाई में जिस तरह का धांधली आज महीना दिनों से चल रहा है, इसके पीछे में जो है सबसे पहला हाथ होता है पंचायत मेंबर का, दूसरा नंबर उसका हाथ होता है पंचायत समिति मेंबर का, उसके बाद तीसरा होता है जिला परिषद साहब का। तो हमारे इलाके में जो है एक चोरों का बस्ती है और उन चोरों का जो है रेबड़ी करने वाली जो है हमारी ममता सरकार है। हमारे इलाके में आज पीएमएवाई को लेकर के जिस तरह से अफरा तफड़ी फैला हुआ है, जिन लोग ज़रूरतमंद गरीब किसान लोग हैं जिनको पीएमएवाई के अहाते में आना चाहिए था वो नहीं आके, बल्कि कौन आया है, हमारे ब्लॉक के मेंबर साहब का भाई, मेंबर साहब का चचा, हमारे कोई प्राइमरी स्कूल के दोस्त के अब्बा, कोई उनके भाई, कोई हाई स्कूल के टीचर, उनके फैमिली वाले जो है ये पीएमएवाई का जो है लिस्ट के अहाते में आए हैं। मगर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, दिन भर मजूरी करते हैं, रहने के लिए मकान नहीं, उनके लिए पीएमएवाई घर का होना जरूरी था, ना कि एक प्राइमरी स्कूल का टीचर के लिए, ना कि एक पंचायत मेंबर के लिए। तो यही सब को देखते हुए आज जो पूरे चकलिया ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल में एक जो है घोटाले का सरकार जो ममता बनर्जी की रहबरी में चल रहा है, उसी को जो है उजागर करने के लिए और गरीबों का सही हक मिलने के लिए, दिलवाने के लिए हमारे एमएलए साहब जो है अली इमरान रम विक्टर भाई जो है उनके सरपरस्ती में आए हैं हम लोग सब कोई। और जिनको जिनको पीएमएवाई लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, जो जिनको चाहिए था पीएमएवाई लिस्ट के अंदर होना चाहिए था, जिनको वो नहीं हुए हैं, उनको लाना पड़ेगा, वही हम लोगों का सबसे पहला मांग। जरा सा आप लोग थोड़ा इधर आ जाइएगा, गाड़ी जाने दीजिए गाड़ी। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि ममता सरकार यानी टीएमसी जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा धांधली कर रही है, आपके हिसाब से वो एक चोर सरकार है, लेकिन आपके विद्यानंदपुर में देखा गया कि उन्होंने जो एक ज्वाइनिंग सभा रखा तो उनके हिसाब से 2000 से ज़्यादा लोग जो है टीएमसी को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके साथ ही सुरजापुर में भी अभी उन्होंने एक सभा रखा उसमें भी अच्छे खासे लोगों ने ज्वाइन किया। तो क्या लगता है आपको कि एक चोर या एक धांधली वाली सरकार को भी लोग आज भी पसंद कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? इस बात से हमको हंसी आ रहा है आपका, कभी उनका मंत्री जी बोलता है 3000 ज्वाइनिंग किया है, कभी उनका ब्लॉक प्रेसिडेंट बोलता है कि 2000 ज्वाइनिंग किया है, कोई फिर बोलता है कि 1500 ज्वाइनिंग किया है। तो पहले उन लोग ठीक करें कितना को ज्वाइनिंग किया है। दूसरी नंबर बात, बामफ्रंट पार्टी जो करता है, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो उनका नेता हो, उनका एक आदर्श होता है, उनका एक नीति होता है, और जो लोग बामफ्रंट नहीं करते हैं उनका कोई आदर्श और नीति नहीं होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कुछ लोगों ने टीएमसी का दामन थामा समस्तपुर में, कुछ लोगों ने टीएमसी का दामन थामा सुरजापुर में। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज जो लोग भी टीएमसी में गए हैं उनका पहचान, उनका इज्जत, उनका सब कुछ बामफ्रंट पार्टी से मिला। एक जवान कर्मी के हिसाब से उन लोग पार्टी में आया था, पार्टी ने उनको सम्मान दिया, पार्टी ने उनको इज्जत दिया, ओहदा दिया, यहाँ तक कि वो जो है आज प्राइमरी स्कूल का टीचर भी कोई अगर बना है तो वो भी ये बामफ्रंट की देन है।
एक बात आपसे साफ कर दूं आपको, एक बूढ़ा बाप अपने बच्चों को पाल पूछ के जवान करता है, अगर जब बाप बूढ़ा हो जाता है क्या उनके बच्चों को चाहिए कि बाप का दामन छोड़ दे? तो वही वाला हालत इन लोगों का हो गया है कि बूढ़ा बाप मीन्स अभी बाम प्रोन जो है हम लोग कमजोर हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर को मार दिया जाए, कमजोर को छोड़ दिया जाए। आज टीएमसी पार्टी जो है दो ही लोग क्या करते हैं, एक बिकाऊ लोग, दूसरा जो है डरा हुआ आदमी। जिनका जमीर मर जाएगा वो टीएमसी पार्टी करेगा, जो डर जाएगा वो टीएमसी पार्टी करेगा। अच्छा, तो कुछ लोगों का ये कहना है, मतलब ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि भाई ग्वाल पोखर वन में रब्बानी साहब के सामने उनके टक्कर का कोई नहीं है और ग्वाल पोखर टू में विक्टर साहब के टक्कर का नहीं है, आप इस बात से कितना सहमत हैं? सबसे पहली बात, ये विक्टर भाई की बात जहाँ पे आती है, विक्टर भाई एक लीडर है, रहनुमा है, रहबर है, जो सच्चाई के लिए हमेशा लड़ते हैं, चाहे असेंबली हो चाहे चकलिया के रास्तों में उतरना पड़े, वो सच्चाई के लिए जो है अपना हक के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। इसी वजह से जो है चकलिया का अवाम, ये ग्वाल पोखर टू की अवाम हमेशा विक्टर और मरहूम रमजान साहब के फैमिली को यहाँ का नुमाइंदा चुना है, क्योंकि वो सच्चाई के साथ में हमेशा यहाँ का चकलिया का अवाम का सबसे पहला पसंद अगर कोई अगर है तो विक्टर भाई का, विक्टर भाई। इस चीज़ को हम मानते हैं, मगर जो ही रब्बानी साहब का नाम आता है, रब्बानी साहब सच सच कहे, आज उनके इलाके में जो पंचायत मेंबर से लेके जिला परिषद तक और यहाँ तक के रब्बानी साहब भी क्या करके जीते हैं, गुंडागर्दी करके, वोट लूट करके वो तब जीते हैं। तो ऐसा लोग कभी लीडर नहीं हो सकता है। रब्बानी साहब जो है दौनिया है, दौनिया घर के अंदर में रहता है और लीडर जो है हमेशा चारों तरफ इलाके में अपना लीडरशिप निभाता है। तो रब्बानी साहब जो है एक दौनिया है, उनके कंपेयर में रब्बानी साहब अभी एक मिनिस्टर दिया गया है उनको, लेबर मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन लेबर। पहले साहब तो है हड़ावत्ती लेके पूरा इलाका खूब चिल्लाया, उनके कुछ भक्त लोग, मैं भक्त इसी वजह से बोलता हूँ कि उन लोग जो है सही और गलत का उन लोगों को पहचान नहीं, इसी वजह से उनको भक्त कहते हैं हम। तो रब्बानी साहब जो है पहले जिस वक्त MLA जीत के गए तो हड़ाबत्ती लगा के एरिया में घूमने लगे तो बोला गया कि हमारे मंत्री साहब मेरे टूरिज्म मिनिस्टर हैं। चले बहुत अच्छी बात, बधाई हो टूरिज्म मिनिस्टर को। फिर कुछ दिन बाद देखा गया कि भाई साहब का पहले परमोशन होकर पंचायत मिनिस्टर कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। और मुबारकबाद दो, जिस वक्त असेंबली का सेशन चल रहा है, बजट पेश होता है, तब पता चलता है कि हमारे रब्बानी साहब जो है मिनिस्टर है या नहीं, जरूर मिनिस्टर बन के रह गया। तब हमारे MLA साहब जो है आवाज उठाए, अरे भाई जब आप मिनिस्टर नहीं है तो हड़ाबत्ती लगे घूमिएगा क्यों? तो शर्म के हमारे उनके नेत्री को और हमारे साहब को, दोनों को जो है शर्म इतना लगा, लास्ट में जो है इन साहब को जो है लेबर मिनिस्टर का तमगा देके पकड़ा दिया गया। और वो असल में मिनिस्टर नहीं है, वो हमारे इलाके के एक जेरोक्स मिनिस्टर बन के रह गए हैं, क्योंकि सब चीज जो है दीदी ही करेगी, तो आप साहब क्या कीजिएगा? आप पहले बताइए, हर बात में ओटा दीदी करबे, ओटा दीदी करबे, ओटा अमुक, ओटा दीदी करबे, তাহলে আপনি কেন আছেন? কেন জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছেন আপনি? তাহলে ছেড়ে দেন নিজের চেয়ারটা আর আপনি জনগণ হয়ে বসে থাকুন। আচ্ছা, तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दीदी जो है वो बिल्कुल सिर्फ बातें करती हैं, काम नहीं कर रही हैं, उनका भी यही कहना है कि 34 साल से आपकी ही सरकार रही यहाँ पर, तो उस दौरान भी आपने कितना जो है काम किया? आज भी आप जैसे आज जो मुद्दों को लेकर आए हैं कि लोगों के पास घर नहीं है, घर मिलना चाहिए, तो 34 साल में आप लोगों ने घर नहीं बनवा पाए लोगों के, जो आज भी लोग अपने घर के लिए परेशान है, तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात है कि उत्तर दिनाजपुर आज भी सबसे कम पढ़े लिखे डिस्ट्रिक्ट में से एक है, तो यहाँ पे शिक्षा भी नहीं है, घर भी नहीं है, तो इतने सालों से आप लोग जो चीज़ नहीं कर पाए वो आज आप डिमांड कर रहे हैं कि ममता की सरकार जो है वो चीज़ कर पाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात, आपने जो सवाल किया, सवाल दुरुस्त। जिस वक्त बामफ्रंट की सरकार आई थी, 34 साल हुकूमत बामफ्रंट ने बंगाल में किया और बखूबी निभाया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे ग्वाल पोखर ब्लॉक में, ग्वाल पोखर टू ब्लॉक में, जिस वक्त हमारे बामफ्रंट की सरकार आई थी, उस वक्त आपको दो ही हाई स्कूल नजर आता था, एक तोरियाल हाई स्कूल, एक मरोड़ा हाई स्कूल। आज आप ही उठा के देखिए लिस्ट में कितना हाई स्कूल का लिस्ट है, कितना जूनियर हाई स्कूल का लिस्ट है, कितना हाई स्कूल हायर सेकेंडरी का लिस्ट है,
कितना एसएसके है, कितना एमएसके है, ये किनका देन है भाई? ये तो सब तो बामफोंड का ही देन है ना। दूसरी नंबर बात है, हम लोगों ने सरकार में जिसको कहा था, कोई भी गरीब भाई लगभग में ऐसा कोई नहीं है जिनको पट्टा नहीं मिला है, जमीन का पट्टा। जमीन का पट्टा देने का काम बामफोंड सरकार ने किया, और बामफोंड सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। हम लोगों ने 34 साल हुकूमत में लूटमार नहीं मचाया था, चोरी नहीं किया था, हम लोग ईमानदारी से अपना सरकार निभाया था, और जितना तक हो सका हम लोगों ने अवाम के लिए काम किया, खिदमत किया। इसीलिए आज चाकुलिया विधानसभा में रमजान एंड फेमेटी का कब्जा है, क्योंकि सच्चाई के लिए जीता है, सच्चाई के लिए मरता है। तो आपको क्या लगता है कि विक्टर जो है या फिर जो एमएलए अली इमरान रम्स है, उनको लोग क्यों वोट देंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो सच्चा इंसान है, सच्चों के लिए आवाज उठाता है। आज जिनका नाम पीएमएवाई लिस्ट में नहीं आया है, अगर विक्टर भाई नहीं होते तो ये आवाज उठता कैसे? यहाँ को तो चोरू का बसेरा होकर बैठा हुआ रह गया। पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि एक पंचायत ऑफिस में जो है वहाँ का मेंबर जो इलेक्टेड मेंबर है, प्रधान है, उन्हीं लोग बैठ के अपना मीटिंग करते हैं। पंचायत समिति में जो इलेक्टेड मेंबर है, बीडीओ साहब के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, जिला परिषद में उसी तरह से। मगर आज का हाल इस तरह का हो गया है कि पंचायत अभी पंचायत बन के नहीं रह गया है, चोरू का अड्डा। पंचायत समिति जो है ब्लॉक में अभी इलेक्टेड मेंबर कम, टीएमसी का दलाल ज़्यादा नजर आएगा आपको। इन लोग जो है ब्लॉक को, पंचायत को, जिला परिषद को जो है दलाली का एक ठीका बना लिया है, और उसी से उन लोगों का रोजगार चलता है। आज हमारे बंगाल में शारदा कांड हुआ, नारदा कांड हुआ, रोज भैली कांड हुआ, किसके जरिए? सरपरस्ती में दीदी मोनी का, सरपरस्ती में दीदी मनी एंड कंपनी, पीसी और भाईपो का सरकार चलता है हमारे बंगाल में, लूट का सरकार चलता है, चोरू का अड्डा है, माफियाओं का बोलवाला है, उन्हीं लोग सरकार चलाते हैं हमारे इलाके में। आज पुलिस जो है, पुलिस आज टीएमसी का नेता को देख के टेबल के अंदर घुस जाता है। क्यों ऐसा क्यों होगा भाई? सरकार है, सरकार सरकार के तरह चले, एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेशन के तरह काम करने दे, मगर उस तरह का काम करने नहीं दिया है। हमारे वर्ल्ड के बाद बताते हैं आपको, वहां पे जो है एक शेड्यूल ट्राइब हरिजन लोगों को बेरहमी से मारा गया, हम लोगों ने आवाज उठाया, फिर भी अभी तक पुलिस जो है चुप्पी साधी हुई है। उन लोग जो है टीएमसी का गुलाम बन के रह गया। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव वालों से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग गुलाम नहीं है, टीएमसी पार्टी का गुलाम नहीं है, आप लोग अवाम का गुलाम है। अवाम का काम कीजिए, अवाम का काम को बढ़ाइए, ना कि आप लोग टीएमसी का दलाल बन के रह जाइए। हमारे इलाके में इस तरह का दलाल आपको बहुत नजर आएगा, चौक चौराहे में, हर जगह में। तो इसी वजह से जो है अवाम इस बार ठान लिया है 2021 का इलेक्शन में इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, और विक्टर भाई इंशाल्लाह यहाँ से बहुत सारे वोटों से जीतेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया।